हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का, और ये डिज़ाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग है। तो जितना भी मेजरमेंट आपको लेना है लेंथ में, आप उतना लीजिएगा 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। तो मुझे यहाँ पर टोटल लेंथ रखनी है 13.5 इंच तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैंने 14.5 इंच पर टोटल लेंथ की मार्किंग की है। और ये डिज़ाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग है, तो शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं हमें 7 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। तो 34 साइज़ में मैंने रखे हैं 7 इंच शोल्डर और आर्म होल्स। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर ली है, ये आर्म होल की लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे, तो चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल्स 7 इंच रखे हैं, और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं ब्लाउज़ में। इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे, और कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। मार्किंग यहाँ पर हमने कम्प्लीट कर ली है, और इस तरीके से अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट करेंगे। ये देखिए, कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है, और ये बोट नेक ब्लाउज़ है, तो 1/2 इंच हमें शोल्डर को डाउन करना होता है बोट नेक ब्लाउज़ में। इस तरीके से 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर दिया है, और अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो बोट नेक में आप गले की जो विड्थ है वो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, और 4 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो रख रही हूँ 4 इंच। आप अगर कम पहनना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर विड्थ रखी है 4 इंच इस तरीके से, और यहाँ से देखिए हमें टोटल लेंथ रखनी है 10.5 इंच पर इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं नेक की जो लेंथ है। और यहाँ से नीचे से हमने नेक की विड्थ 4 इंच रखी है, और इस तरीके से सबसे पहले हम स्क्वायर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे हम 3 इंच पर। ये देखिए, 3 इंच पर हम एक नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और सेम मार्किंग हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। टोटल लेंथ रख रहे हैं यहाँ पर 10.5 इंच। इस तरीके से हम मार्किंग यहाँ पर करेंगे। इस तरफ भी हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और ऊपर की तरफ एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हल्के हल्के हाथों से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, और यही मार्किंग हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है। नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और ये शेप को हमें यहाँ पर मिलाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है। तो आप इसे डबल फोल्ड करके एक तरफ राउंड शेप देना है, और एक तरफ हमारी सीधी ही लाइन रहेगी जो हमने ड्रॉ की है। इस तरीके से यहाँ पर हमें राउंड शेप बना लेना है। ये राउंड शेप हमने दे दिया है, और इस लाइन को हमें यहाँ पर मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से मिला देंगे हम यहाँ पर। तो इस शेप को आप, ये जो लाइन है हमारी ऊपर गले की तरफ से, इसे आप यहाँ तक मिला दें, और इस तरीके से शेप यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आप डोरी या बटन कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये नेक को हमने ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से हम इस नेक को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसे कट कर लेना है हमें। पहले हम इसे सीधा कट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाला राउंड नेक कट करेंगे। इस तरीके से कटिंग करनी है, देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से नेक को अच्छे से कटिंग करेंगे, जो राउंड शेप हमने बनाया है उसे कट करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे नेक को। तो ये जो शेप हमने बनाना था नेक का, वो शेप हमारा बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर कटिंग हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे, तो हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखा है, और सबसे पहले हम इस पर पिनअप कर लेंगे इसे, ताकि नेक बिल्कुल हमारा परफेक्टली यहाँ पर बने अच्छे से। तो मैं यहाँ पर चारों तरफ पिन लगा रही हूँ, और ये जो डोरी है वो भी हम अंदर की तरफ अटैच कर देंगे। इससे जो हमारा नेक है वो पलटने में भी इजी रहेगा, और इनविजिबल हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी नेक के अंदर। तो आप यहाँ पर रख लें डोरी को इसके अंदर और पिन लगा लें। एक डोरी हमें इस तरफ रखनी है, और एक डोरी जो मार्किंग यहाँ पर दिख रही है आपको, इस तरफ रख लेनी है। दोनों डोरी बिल्कुल, डोरी जो है दोनों तरफ की वो बिल्कुल आमने सामने की तरफ होनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप स्टिचिंग करें, और जहाँ पर डोरी है वहाँ पर से आप पक्का ज़रूर कर लें, ताकि जब हम इसे पलटने के लिए खींचेंगे तो बिल्कुल हमारा नेक बराबर से बने। जो गले का जॉइंट है हमारा वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाए, और पूरे ही राउंड सर्कल पे हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है नेक पर इस तरीके से। और अब ये वाली जो सीधी सिलाई है वो हम इस तरीके से ले लेंगे ऊपर की तरफ। डोरी वाली जगह पक्का आप ज़रूर कर लें। तो नेक हमारा बन गया है, यहाँ पर सिलाई हमने लगा दी है, और अब इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा नेक को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। नेक को कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे ऊपर तक इस तरीके से। पूरे ही नेक पर आपको कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। और ये जो हमारा जॉइंट है डोरी वाला, वहाँ से आप कपड़ा बिल्कुल कट कर दें, ताकि हमारी जो डोरी है वो अच्छे से पलट जाए। हल्का हल्का देखिए, आप इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारा जो जॉइंट है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसे खींच कर बाहर की तरफ इसे निकाल लिया है, और इस तरफ से भी हमें इसे, जो अस्तर का कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए नेक हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो बहुत ही, आप इसे अगर सिंपल भी रखना चाहें तो सिर्फ ऊपर से सिलाई लगाकर सिंपल भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे फैंसी लुक दूंगी, तो उसके लिए अभी हम इस पर डिज़ाइन भी करेंगे। पहले हम ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक कॉर्नर की या एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप नेक के ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसे पहले कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसे साइड में भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। साइड से भी सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है हमें। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है यहाँ पर, और इसके बाद हम प्लेट्स डाल लेंगे। बैक पार्ट को पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से प्लेट्स डाल लेना है। सेंटर में कट लगाना है, और डबल फोल्ड करके हम प्लेट्स इस तरीके से डाल लेंगे यहाँ पर, और नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। कमर पट्टी हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लगानी है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा जो पैटर्न है, डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है, तो इसका जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। डोरी यहाँ पर बन जाएगी, आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। और ये एक पट्टी ली है मैंने जिसकी चौड़ाई है 2 इंच, और इसे हम सिलाई लगाकर पलट लेंगे। ये देखिए ये पट्टी मैंने डिज़ाइन के लिए रेडी की है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर लें, और इसे पलट करके हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए
इस तरीके से हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और इसके पीसेस कट करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। डोरी को मैंने पलट लिया है और इसके पीस आपको जो लेंथ में कट करने हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इसे कट कर लें। कम से कम इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच होनी चाहिए। सभी पीसेस एक बराबर ही होने चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से आप बराबर करते हुए इन्हें कट कर लें। ये देखिए कट मैंने कर लिया है और अब हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से आप इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लें और सेंटर से आपको स्टिच करना है। इसे बो का लुक देना है। आप चाहें तो इसे सिंपल रख सकते हैं या फिर बीच में आप कोई भी मोती या स्टोन टक कर सकते हैं। मैंने बीच में एक मोती टक कर दिया है और बाकी सारे पीसेस भी आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं। ये देखिए सभी पीसेस आप इसी तरीके से तैयार कर लें। इसके लिए यहाँ पर इसके बाद देखिए मैंने सभी पीसेस रेडी करने के बाद हमें इन्हें लगाना है। तो दो से 2.5 इंच का गैप देते हुए आप नीचे की तरफ इसे लगा सकते हैं। नेक की इस तरफ हमें लगाना है। ये डिज़ाइन सिर्फ इसी तरफ हम लगाएंगे और इसके बाद एक सिलाई हम इस तरफ से भी लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसके एक तरफ फिनिशिंग के लिए हम ये पट्टी लगाएंगे। तो ये जो पट्टी की विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक तरफ से इसे फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर लगा लें। आप चाहें तो दोनों तरफ लेस लगा सकते हैं। मैं एक तरफ ये पट्टी और दूसरी तरफ लेस लगाऊंगी। तो इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अगर पट्टी आपको फोल्ड करने में थोड़ी मोटी लग रही है तो आप इसे कट कर लें पहले इस तरीके से। कटिंग करने के बाद आप इसे एक तरफ से फोल्ड कर लें। ये देखिए यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद मैं एक तरफ लगाऊंगी लेस। तो आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कलर में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेम कलर की लेस का यूज़ किया है। तो एक तरफ से हम इस तरीके से लेस को लगाएंगे। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर लेस जो नीचे वाली लेयर हम लगाएंगे वो डिज़ाइन के इस तरफ से लगाएंगे। तो बिल्कुल नेक के ऊपर कॉर्नर पर हमें ये लेस लगानी है जिससे हमारा जो नेक का लुक है वो और भी अच्छा लगे। तो देखिए ऊपर की तरफ बहुत ही पतली पट्टी है तो हम दो लेयर साथ में नहीं लगा सकते हैं लेस की। तो पहले हम इसे एक तरफ से बराबर करते हुए कट कर लेंगे थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए। फिर ऊपर वाले नेक के ऊपर हम लेस लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये लेस हमें सिर्फ आधी दूरी तक ही लगानी है। बाकी हमारी जो दूसरी लेयर है लेस की वो वाली यहाँ तक आ जाएगी। अब इसके ऊपर देखिए हमें ये वाली लेस लगा लेनी है और कॉर्नर से इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को आपको कट कर देना है और अब हम दूसरी तरफ से नेक की सिलाई लगाकर इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इसे कंप्लीट हमने कर लिया है और डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। नीचे की तरफ आप ये लटकन लगा लें। स्क्वायर पीसेस लिया है 2.25 इंच 2.25 इंच की विड्थ और लेंथ में। और ये ट्रायंगल मैंने बनाए हैं इस तरीके से। इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे और हमने ये जो बो बनाए हैं उसके नीचे हम इन ट्रायंगल्स को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लटकन बनाई है और इसके अंदर हम एक एक मोती टक कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे मोती मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो एक एक या दो दो लेयर दो मोती आप लगा सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर इसे आपको टक कर देना है इसके नीचे। अच्छे से आप दो तीन बाहर अंदर बाहर करते हुए इसे पक्का ज़रूर कर लें और नीचे की तरफ भी आप इसी तरीके से लगा लें। ये देखिए पूरे नीचे तक मैंने लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। और ये जो डोरी हमने ब्लाउज़ में अटैच किए इसके नीचे भी हम ट्रायंगल बनाकर ये लटकन लगा लेंगे और दोनों लटकन हम इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा बन चुका है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।